The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Bariatric surgery is basically an option जो कि बहुत ही ज़्यादा obese लोगों को तब दिया जाता है अगर वो बाकी सारे तरीकों से वज़न कम नहीं कर पा रहे, अगर वो प्रॉपर वेट लॉस डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज या दूसरे कोई भी हेल्दी मेथड, जो हेल्थ मेथड्स हैं, उससे वेट लॉस नहीं कर पा रहे और उनको सीरियस ओबेसिटी है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं, हाई बीपी हो गया है, डायबिटीज़ हो रहा है या रिस्क है इन चीज़ों का, हार्ट की बीमारी का रिस्क है बहुत ज़्यादा, इन दिस केस फिर उन लोगों के लिए फिर बेरियाट्रिक सर्जरी ज़रूरी हो जाती है। बेरियाट्रिक सर्जरी यानी वेट लॉस सर्जरी, इसके बेसिकली करते क्या है, इससे आपका पेट जो है वो छोटा कर देते हैं, आपका पेट छोटा कर देते हैं और कई बार इंटेस्टाइन जो आपकी अथड़ियों में भी कुछ बदलाव करते हैं। इनसे आपके खाने पीने में जो भी आप खाते हो वो खाना आपके शरीर के अंदर कम पचता है, पचता ही कम है, मतलब टूटता ही स्लो है, तो पचेगा ही कम, पेट जल्दी भर जाएगा तो आप पतले हो जाते हैं, आपका एब्जॉर्प्शन कम हो, जितना खाते हो वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता, काम ही नहीं आता, तो वो पतले होते जाते हो। इसके भी प्रकार हैं, राइट, वेट बेरियाट्रिक सर्जरी के। बेरियाट्रिक सर्जरी के प्रकार ज़्यादातर एक दो चीज़ होती है, गैस्ट्रिक बैंडिंग। इसमें क्या होता है, जो आपका स्टमक है उस स्टमक में बैंड्स लगा दिए जाते हैं, उस बैंड को आप मान के चलिए कि अगर स्टमक, मान लीजिए ये पूरा स्टमक है, तो इस स्टमक में ऐसा आधा बैंड लगा देंगे तो स्टमक क्या हुआ, आधा आधा कम हो गया, मेनली स्टमक आधा हो गया, इस तरह से बैंड लगा दिया जाता है। कई बार गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी हो जाती है। गैस्ट्रिक बाईपास से बेसिकली क्या होता है कि स्टमक ही, आधे से ज़्यादा स्टमक पूरा निकाल दिया जाता है और स्टमक की पतली सी पाइप बना दी जाती है, तो आपका फूड जो है वो पेट में जो चर्न होता है उसकी जगह डायरेक्ट आपके इंटेस्टाइन में चला जाएगा, तो इंटेस्टाइन में मोटा मोटा खाना जाएगा, ज़्यादा पचेगा नहीं। उसके बाद में होता है गैस्ट्रिक स्लीव, स्लीव गैस्ट्रिक्टॉमी। स्लीव का मतलब है कि वो पेट में एक स्लीव जैसे उसकी एक आधी हिस्सा काट दिया जाता है, राइट, स्लीव जैसा एक हिस्सा काट दिया जाता है, वो भी एक तरीके का इसी तरह के ऑपरेशन है। और एक होता है ड्यूओडेनल स्ट्रिच ऑपरेशन। अब ये सारे ऑपरेशन से हो क्या रहा है कि पेट का और पेट के नीचे का जितना भी पाचन क्रिया वाली जगहें हैं उनको कम कर देने से हो क्या रहा है कि आप जो खाना खाओगे उस खाने का पचना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। मान लो आप 100 ग्राम चीज़ खाई तो 25 ग्राम ही पचेगा, तो बाकी 75 ग्राम कम हो जाएगा, वो एक बराबर हो जाएगा कि आपने बहुत कम खाना खाया, उसके बराबर हो जाएगा। तो ये है प्रकार, और हर एक प्रकार के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, राइट। बेनिफिट क्या है इसका कि कोई भी गैस्ट्रिक बेरियाट्रिक सर्जरी आपने कराई, इससे आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी आपकी मोटापा, आपकी डायबिटीज़, आपका शुगर, आपका बीपी, आपकी अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपको अगर मोटापे के वजह से स्लीप एपनिया हो रहा है, सांस में दिक्कत हो रही है, ये सारी चीज़ें स्लोली ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप मोटापा कम होगा, वज़न कम होगा, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इसमें आपका फिजिकल फंक्शन यानी आपके दौड़ने भागने की क्षमता, आपकी चलने फिरने की क्षमता, आपका मूड, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये भी बेहतर हो जाएगा, राइट। सो ऑब्वियसली इन सब का बहुत मेजर रोल होता है, सो ये भी बेहतर हो जाएगा। और लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं, सो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, देखिए अगर आप सर्जरी करा रहे हैं, ऑपरेशन है, तो ऑब्वियसली ऑपरेशन से जुड़े किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, छोटा हो बड़ा हो, ऑपरेशन के साथ साइड इफ़ेक्ट जुड़े होते हैं। नंबर वन साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ऑपरेशन में, हाइजीन सही मेंटेन ना करें तो ऑपरेशन के दौरान हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो जाए, ऑपरेशन के बाद घर में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन का बड़ा ख़तरा होता है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद, क्योंकि आपकी आंत में, आपके इंटेस्टाइन्स, आपके पेट, आपके स्टमक में हुआ है ऑपरेशन,
तो वहां पाचन शक्ति पास जहां भी ऑपरेशन होता है वहां एक तरीके से चोट लग रही है, हम चीरा मार रहे हैं, कट कर रहे हैं, टाके मार रहे हैं, तो वहां घाव है। तो कुछ दिन लगेंगे घाव को भरने में, कुछ दिन आपको दिक्कत रहेगी, कुछ दिन आपको डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, कुछ दिन की ये दिक्कत हो सकती है। उसके बाद क्योंकि आपकी पाचन क्रिया हम कम बेसिकली उसको शॉर्ट कर रहे हैं, तो कई चीज़ें जो हैं वो कम पचेगी, तो कम एब्जॉर्ब होगी, तो ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कम जाएगा बल्कि थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कम जाएंगे। सो विटामिन डेफिशिएंसीज, बाकी सारी डेफिशिएंसीज आगे चल के हो सकती है, तो आपको रेगुलर विटामिन भी लेने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद आपको याद रखिए हर्निया के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर आप खांसी, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन खांसी होती है तो हर्निया हो सकता है बीच में, और गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, ये एक अपने अपने साइड इफ़ेक्ट्स है, क्योंकि आप पहले ज़िंदगी में जितना ज़्यादा खाना खाते थे उसको पचाने के लिए पहले आपके गॉल ब्लैडर से उतना ज़्यादा पित्त यानी बाइल निकल निकल के आता था, अब वो इतना नहीं आ रहा, तो 20-25% आपका रिस्क बढ़ जाता है, ज़्यादा नहीं 30% के मान के 30% रिस्क बढ़ जाता है गॉल स्टोन्स का, लेकिन ये रिस्क उतना ज़्यादा नहीं है जितना हार्ट डिजीज़ का और मोटापे का और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर का रिस्क था और स्लीप एपनिया का रिस्क था जो बहुत ज़्यादा वज़न हो जाने का। इसीलिए हर ऐरे गहरे में जिसको भी थोड़ा अपना पेट पतला करना है उसमें ये ऑपरेशन नहीं किया जाता, ये ऑपरेशन सिर्फ उनमें किया जाता है जिनको एक्चुअली में बहुत रिस्क होता है ज़्यादा बीमारी होने का। सो इसीलिए जो भी एडल्ट है, जो टीनेज ग्रुप में हो, जो बहुत सीवियरली ओबेस हैं और ओबेसिटी यानी मोटापे से रिलेटेड बीमारियां जैसे स्लीप एपनिया, डायबिटीज, हार्ट डिजीज हो रही हैं, होना शुरू हुई हैं, उनके लिए ये बीमारी, ये ऑपरेशन बहुत ही सही ऑप्शन है और वो करना चाहिए, राइट। सो ये हुई बेसिक बातचीत जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट स्लीप एपनिया, अबाउट दिस। और उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि उसके अलावा मान लीजिए आपने ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑप्शन की बात आए, तो दूसरे ऑप्शंस होते हैं आपके डाइट, आपके एक्सरसाइज, आपके उसके अलावा छोटे मोटे ऑप्शंस होते हैं लाइपोसक्शन, ये सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस नहीं होते हैं। जब तक आप डाइट एक्सरसाइज करते रहोगे सही रहोगे, ये करोगे सही रहोगे। और ये वाला भी ऑप्शन गैस्ट्रिक बाईपास ऑप्शन भी ऐसा है जिसमें आपको अल्टीमेटली हेल्दी लाइफस्टाइल फिर भी कुछ ना कुछ तो मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी खाओ जितना मर्जी खाओ जिंदगी भर तो कुछ नहीं होगा, ऑब्वियसली बॉडी एडजस्ट कर लेती है। तो अगर कई लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो गैस्ट्रिक बाईपास हो जाने के बाद में भी कुछ साल में पतले हो जाते हैं, उसके बाद फिर मोटे होने लग जाते हैं क्योंकि वो अपनी आदतें नहीं सुधारते और धीरे धीरे शरीर एडजस्ट कर लेता है, पेट का एक हिस्सा थोड़ा फूल के स्टमक जैसा हो जाता है और फिर वो उनका जो एब्जॉर्प्शन है उसके कम होने के बावजूद वो मोटे होने लगते हैं। सो इसीलिए आपको अपनी लाइफस्टाइल को तो सुधारना ही पड़ेगा, साथ में आप ऑपरेशंस कर सकते हैं। अब और दूसरे ऑप्शंस भी आ गए हैं जिसमें आपको एक्चुअली ये बड़े बड़े ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप प्लेन सिंपल गैस्ट्रिक यानी बलूनिंग कर सकते हो। मतलब आप जिस तरह से एंडोस्कोपी करते हैं, आपके मुंह से एक पाइप डाला जाएगा पतला सा और उस पाइप के थ्रू एक बलून डाल दिया जाएगा आपके पेट के अंदर, आपके पेट के अंदर एक बड़ा सा बलून डाला जाएगा, वो बलून आपके पेट में ही रहेगा, वो ना तो नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा ना फूटेगा। वो बलून क्या करेगा, पेट में जगह यानी स्टमक में जगह भर देगा। तो जगह भर देने से क्या होगा, आपका एक तरीके से गैस्ट्रिक बाईपास जैसी जगह कम हो जाएगी पेट में। तो जैसे जगह कम, इस तरह से एक बलून दो बलून डाला जा सकता है और इन बलूनों को आगे चल के 6 महीने बाद कुछ 3 टाइम बाद निकाला जा सकता है। तो इससे क्या होगा, टेम्पररी गैस्ट्रिक बाईपास जैसा फीचर आ गया है अब दुनिया में। सो ये भी किया जा सकता है। इसके लिए अगर आप कराना चाहें तो आपको बात करनी होगी आपके लोकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट करते हैं बलूनिंग वाला भी और गैस्ट्रिक बाईपास और बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए गैस्ट्रो सर्जन होते हैं, गैस्ट्रिक सर्जन्स। जनरल सर्जन्स भी करते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने उसके लिए कोई फेलोशिप करी है, वो भी करते हैं।
याद रखिए, अगर आपका बी एम आई आपका 35 से ऊपर है तो फिर आपको ये करा लेना चाहिए होता है। अगर 40 से ऊपर है तो भाई आपका तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो आपको कराना चाहिए फिर आपको ये वेट लॉस सर्जरी, या स्पेशली कुछ महीने अगर आपने वेट लॉस ट्राई कर लिया है नहीं हो रहा है, देन दिस सर्जरी इज़ फॉर यू, रिमेंबर दैट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हुए। ऑब्वियसली इसके अलावा आपको अपने डॉक्टर से टच में रहना होगा कि न्यूट्रिशन कैसे पूरा करना है, फिजिकल एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें मेंटेन करनी होगी। सो यू हैव टू लिव अ लाइफ ऑल्सो, हेल्दी लाइफ स्टाइल, बट सर्जरी विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ द एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा इंजरी, एक्स्ट्रा बीमारीज, एक्स्ट्रा डिजीजेज, व्हाटएवर यू हैव। ऑलराइट।